हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज हम जानेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड्स यूनिट के आपस में कोवेलेंटली जुड़ने से बनते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, ओलिगोज एंड सैकेराइड्स के मिलने से ओलिगोसैकेराइड्स बना है। ओलिगोज मतलब सम एंड सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का अर्थ लेता है। तो सम कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सम मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जब कोवेलेंटली बाइंड करते हैं तब हम उसे ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। जिस बंधन से ये आपस में जुड़ते हैं उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, रेफिनोज। ओलिगोसैकेराइड्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ओलिगोसैकेराइड्स को पुनः तीन वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है डाइसैकेराइड्स, सेकंड है ट्राइसैकेराइड्स, थर्ड है टेट्रासैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं तब हम उसे डाइसैकेराइड्स कहते हैं। डाइसैकेराइड्स का कुछ एग्जाम्पल है जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का यूनिट और एक दूसरा भी ग्लूकोज का यूनिट, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ने से माल्टोज बनता है। सुक्रोज में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का यूनिट और एक फ्रक्टोज का यूनिट होता है। थर्ड हम लैक्टोज को देखते हैं, तब इसमें ग्लूकोज का एक यूनिट और दूसरा ग्लैक्टोज होता है। इस प्रकार से ये एक एक यूनिट मिलकर डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स में क्या होता है? ट्राइसैकेराइड्स में तीन यूनिट होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। एग्जांपल में रेफिनोज है जिसमें एक यूनिट, एक मोनोसैकेराइड ग्लैक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज है और तीसरा फ्रक्टोज है। तीसरा देखते हैं टेट्रासैकेराइड्स में, इसमें चार यूनिट होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। और ये चार यूनिट कौन कौन से होते हैं? तो ग्लैक्टोज का दो यूनिट होता है और ग्लूकोज का एक, फ्रक्टोज का एक। तो ये चारों मिलकर अस्टैकियोज बनाते हैं, जो ये टेट्रासैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बंधते हैं ये क्या होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड है जो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बीच बनते हैं। दो मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तब उसके बीच बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ देखते हैं एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल है ये भी ग्लूकोज का है। ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज है। इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप से रिएक्ट करता है और ये एक बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये दो, ये अल्फा और ये बीटा ग्लूकोज है। ये दोनों ग्लूकोज के बीच जो ये बंधन बन रहा है इसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज बना। इसी प्रकार से हम इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बोलते हैं? जब इसका एक नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन के OH से बाइंड करता है, उसके बीच बंधन बनाता है तब हम उसे 1,4 लिंकेज कहेंगे। दूसरा देख सकते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब कार्बन नंबर 1, जैसे इसमें 1 कार्बन नंबर, इसके 2 कार्बन नंबर के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके बीच बंधन बनाता है तब हम उसे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ये सुक्रोज में पाया जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, माल्टोज या फिर लैक्टोज में पाया जाता है। और तीसरा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ग्लाइकोजन में मोस्टली देखा जाता है या फिर स्टार्च में भी देखा जाता है, ये ब्रांच बनाने में योगदान देते हैं। जैसे ये एक सीधी श्रृंखला का पॉलीसेक्राइड्स बन रहा था तो इसमें एक ब्रांच है,
तो सीधी श्रृंखला या तो 1,4 से बनेगा या फिर 1,2 से बनेगा, लेकिन ब्रांच बनने के लिए 6 नंबर कार्बन था उससे एक अलग पॉलीसेक्राइड्स का यूनिट बनते जा रहा है। तो ये फिर यहाँ जो बंधन बना है इसी को हम कहते हैं 1,6-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो आज हमने जाना ऑलिगोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।